रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी डोडा जिले के भद्रवाह, थौथरी, गंडोह के ऊपरी इलाकों में एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों की सूचना देने पर इनाम का ऐलान किया है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर इन आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यानी अगर 4 आतंकियों की जानकारी कोई पुलिस को देता है तो उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 4 दिनों में जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। कठुआ के हीरानगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं बुधवार की शाम जम्मू के डोडा जिले के कोटा टॉप पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल फरीद अहमद घायल हो गए। रियासी हमले के बाद से आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। जम्मू के रियासी में रविवार 9 जून को आतंकियों ने शिवखोड़ी से वापस आ रही बस पर हमला किया था। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 41 से ज्यादा घायल हुए थे। इस हमले के बाद से लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही है। कठुआ, डोडा में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई।